अनिवार राहुल गांधी जी आप राजनैतिक विरोधी हैं कि राजनैतिक ईर्ष्यालु हैं? अरे व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर बदलता है क्या? ये कहाँ से आप सात समुंदर पार गए, क्या क्या आपने देश के आंतरिक मामले में प्रतिक्रिया दे दी, तो अब लगता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का आकलन जो प्रारंभिक दौर से होता है, राजनैतिक आकलन तो आपका गड़बड़ होता ही है, तब 99 के चक्कर में पड़ गए, अब तो आप व्यक्तित्व का आकलन भी अपने स्तर पर जो करते हैं उसमें भी लगता है कि आप परेशानी में हैं। जिस बात का आपने जिक्र की नीरज जी, उस पर तो कह रहे हैं कि झूठ बोल रही है विरोधी पार्टी। भाई वीडियो है ना, जो आपने संदेश दिया है वो तो सच है ना, ये आपके बोल देने से असत्य और झूठ तो होगा नहीं। ये तो डिजिटल फॉर्म में दुनिया चल रही है, तो सब कुछ आपके मुखार बृंद से कहे हुए वो स्वर्णिम शब्द हैं, जो आरक्षण के संदर्भ में आपने कहा है, देश के आंतरिक मामले के संदर्भ में कहा है। और मेरा सवाल है राहुल गांधी जी आपसे, क्या अपने पिता से आपने सीख नहीं लिया? आपके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने के लिए उन्होंने विपक्ष के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से अनुरोध करके भेजा। पहली बार यूएनओ में हिंदी में भाषण हुआ, पूरा देश गौरवान्वित हुआ था। आज आंतरिक मामलों को विपक्ष के नेता विदेश में जाके कह रहे हैं, जबकि देश का गौरव गाथा प्रधानमंत्री से लेकर के विपक्ष के नेता एक सुर में संयुक्त राष्ट्र संघ में संबोधित करते थे। तो आज अपने पिता के बताए रास्ते पर आप नहीं चल पड़ रहे, इसकी पीड़ा जरूर है। बदलापुर रेप महाराष्ट्र में है, वहाँ एक रेप एक्यूज को पुलिस ने मार गिराया, वो पुलिस के हथियार लेकर भाग रहा था, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं सुप्रिया सुले, बोल रही है यही कानून है। देखिए अब दो महत्वपूर्ण पक्ष है, एक जघन्य अपराध किया, दूसरा पुलिस बल के साथ आप अगर जबरदस्ती करिएगा वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, अपराधी को पकड़ने के लिए, गुंडा लंपटों को पकड़ने के लिए है। और ऐसी स्थिति में अब वहाँ का स्थानीय प्रशासन उस संदर्भ में बताएगा कि क्या तात्कालिक घटना हुई जिसके चलते पुलिस को आत्मरक्षार्थ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी, ये तो वहाँ का महाराष्ट्र सरकार बताएगी। ये तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो अखिलेश यादव को दर्द होता। देखिए भीड़ तंत्र से कानून का सामना नहीं किया सकता है, कानून अपना रास्ते चलता है। अब लोगों को बहुत अद्यतन जानकारी रहती नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, अब कोई सड़क दुर्घटना हो गई, अब लोग ट्रक जलाने लगते हैं, बस जलाने लगते हैं, उच्च पथ को जाम करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बुनियादी कानून में बदलाव आया है, जब नाम पड़ जाता है तो सारी क्रांतिकारिता उनकी ख़त्म हो जाती है। गौरव गोगोई है कांग्रेस के सांसद, हो तो उन्होंने एक तरह से भविष्यवाणी कर दी कि हरियाणा भी हारेगी एनडीए, जम्मू कश्मीर भी हारेगी। देखिए चुनाव परिणाम आने के पहले अगर राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे हैं तो ईवीएम पर अब सवाल नहीं खड़ा करेंगे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़ा करती है। और इनके सहयोगी हैं बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी, वो 31 अगस्त को ही केंद्र की सरकार चली जाएगी राजनीतिक भविष्यवाणी कर दिया। हालत यह हो गया कि राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे थे मोदी जी के जाने का, और अब ईडी का सम्मन आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने उस घी सप्लाई वाली कंपनी को नोटिस जारी कर दिया। देखिए तिरुपति बालाजी के प्रति सबको श्रद्धा है, और मंदिर प्रबंध समिति का ये दायित्व बनता है कि जो प्रसाद बनता है उसकी गुणवत्ता क्या है। जांच आई, जांच रिपोर्ट में जो संदर्भ आए हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि आस्था महत्वपूर्ण होता है, हर धर्म के लोगों को अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मंदिर प्रबंध समिति को कड़े कदम और निगरानी में पूरे जो मंदिर की व्यवस्था उसको देखना चाहिए, न कि वार पलटवार इस पर आवश्यक। जिस तरह से बेंगलुरु की घटना, नीरज जी पुरुष ने अपनी पत्नी के शरीर को 30 भागों में काट के फ्रिज में दिया, NCW ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। निश्चित रूप से इस ढंग की घटना तो एकदम बिल्कुल दर्दनाक और अमानवीय है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन अगर रिपोर्ट मांग रहा है तो सही मांग रहा है ना। ये इस ढंग की घटना और कानून की प्रक्रिया है, वो बच के नहीं निकलेंगे।
जिस निर्दयता के साथ उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ व्यवहार किया है, तो देश का जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स है वह भी निर्दयता से उनके साथ पेश आएगा, तब एहसास होगा कानून का इंजेक्शन भारत के संविधान के तहत कितना कड़ा है। अतीशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के चेयर को खाली रखा और कहा कि जिस तरह भरत जी ने खड़ाव रख के पूजा की थी, मैं भी करूँगी। इस पर भाजपा ने कहा कि चापलूसी कम करें, काम कीजिए। देखिए, अब उस पर अगर शराब का बोतल रख देती कुर्सी पर तो और अच्छा रहता, क्योंकि शराब नीति के मामले में गए थे, भ्रष्टाचार को साक्षात रूप से शिष्टाचार माना, और जिस जेल खाने में कैद थे उसका भी फोटो चेयर पर रख दीजिए, तब ना नई पीढ़ी प्रेरित होगा कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री मजबूरी में बनी हैं, कोई कृपा नहीं अरविंद केजरीवाल जी का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से मना कर दिया, तो राजनीतिक श्रृंगार है अरविंद केजरीवाल जी का, कुर्सी क्यों खाली रखिएगा? कि कुर्सी पर शराब का बोतल, कुर्सी पर भ्रष्टाचार का एक प्रतीक चिन्ह और जेल का एक प्रतीक चिन्ह, तीनों चिन्ह लगा करके रखिएगा और उसको पूरे दिल्ली में घुमाइए, पंजाब में घुमाइए, जहाँ जहाँ आप पार्टी का प्रचार हो कि यही मेरा रोल मॉडल है, इसी रोल मॉडल पर भरोसा करिए। तेजस्वी यादव जी, आपको चिंता बिहार की? राघोपुर में बाढ़ आया हुआ है, नदी का उफान है और आप विदेश में हैं, अज्ञान दे रहे हैं। कौन पुल गिरा है, कहाँ पुल गिरा है, कुछ जानकारी नहीं है? राजनीति के चंडूखाना में बैठ करके वहीं से एक्सपर्ट ट्वीट करते रहते हैं। ऐसे ही गोपालगंज के बारे में उन्होंने एक बार कह दिया कि पुल गिर गया, अप्रोच रोड में क्षति हुई थी। भाई ब्रिज कहाँ गिरा है? कोसी महासेतु गिर गया, जेपी सेतु गिर गया, कोई राजेंद्र ब्रिज गिर गया, कहाँ गिरा ब्रिज? एक तकनीकी दुर्घटना को इस रूप से पेश किया जाना इसी यही कारण है कि बौद्धिक रूप से पूरा मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए आप राजनीतिक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।